हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टाटा हैरियर। ये गाड़ी का ग्रे कलर HTA प्लस वेरिएंट है, ऑटोमेटिक। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं गाड़ी का रिव्यू। यह है टाटा हैरियर। ये बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पे बनी है, रेंज रोवर से उठाया हुआ प्लेटफॉर्म है ये, जिस पे टाटा ने अपनी हैरियर बनाई है। काफ़ी चौड़ी गाड़ी लगती है आगे से देखने में और बहुत ही अच्छी लुक आती है इस गाड़ी की। बिल्कुल कुछ नई चीज़ है इस गाड़ी में, जैसे इसमें हेडलाइट न्यूली शेप में प्लेस की गई है। इससे पहले ऐसे हेडलाइट किसी और कंपनी ने प्लेस नहीं करी जैसे टाटा ने करी है, और ये लोगों को काफ़ी पसंद भी आई थी गाड़ी। और ये इसकी सेल अब भी काफ़ी अच्छी है जो टाटा मेंटेन करके चल रहा है। इसी लुक में फ्रंट से सेम लुक में सफारी भी आती है, वो 7 सीटर में आती है। ये हमारी हैरियर 5 सीटर में आती है। अब बात करते हैं इसके आगे के फ्रंट लुक की। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल है और यहाँ पे टाटा का क्रोम में लोगो, और ये इसके DRLs। इसी में ही टर्न इंडिकेटर भी हैं। जब हम इंडिकेटर जलाएंगे तो ये DRL हमारी बंद हो जाएगी, इंडिकेटर चलने लगेंगे। ये हमारे प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ये हमारा हाई बीम का, नीचे फॉग लैम्प। ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। इसमें हमारा पैनोरामिक सनरूफ आती है, ये देख लीजिए कितनी अच्छी इसकी गाड़ी की सनरूफ लग रही है, पैनोरामिक सनरूफ। और ये गाड़ी की कुछ साइड की लुक कुछ इस तरीके से देख रहे हैं आप, ये काफ़ी कितनी अच्छी लग रही है गाड़ी इस साइड से। और ये गाड़ी में यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रोम, थोड़ा सा क्रोम और थोड़ा सा बॉडी कलर दोनों मिक्स है। यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर, ये आप इसके साइड व्यू मिरर देख लीजिए, उसी के अंदर ये LED टर्न इंडिकेटर। और ये गाड़ी के हैं एलॉय व्हील, ये इसमें अपोलो का टायर आता है कंपनी से, उस टाइम पे जो भी आता होगा ये अपोलो का टायर दे रही है कंपनी। काफ़ी कुछ 3-4 तरीके टायर रखती है कंपनी लगाने के लिए। ये इसके 17 इंच के एलॉय व्हील हैं, ये आप इसके टायर साइज देख लीजिए। और एक बार और आप गाड़ी के लुक और ये साइड में देखिए, यहाँ क्रोम इतने अच्छे से जाके, और यहाँ पे फिर हमारी हैरियर की बैजिंग आ रही है। शार्क फिन एंटीना नहीं आता, नॉर्मल एंटीना आता है। ये दोस्तों देखिए गाड़ी का बैक लुक, काफ़ी अच्छी गाड़ी लग रही है गाड़ी बैक से भी। ये इसकी LED लाइट, यहाँ नॉर्मल हैलोजन में इंडिकेटर के, और ये रियर डिफोगर, सर्दी में काफ़ी अच्छा रहता है, हीट भाप नहीं जमने देता इस पर, हीट से हटा देता है। ये हमारा ये रियर वाइपर, ये आप देख रहे हैं गाड़ी में स्टॉप लैंप। इस पर महिंद्रा की तरह टाटा ने भी कुछ थोड़ा सा डिज़ाइन कर रखा है, छोटी छोटी चीज़ें जो काफ़ी अच्छी लगती हैं। और यहाँ नीचे देख रहे हैं आप हैरियर की बैजिंग, और ये हमारा क्रोम से टाटा का लोगो। और ये पीछे हमारे 2 सेंसर्स आते हैं, और ये नीचे रिफ्लेक्टर। बात करें इसकी, इसमें यहाँ पे हमारा कैमरा है। एक बार और आप देख लीजिए गाड़ी की लुक साइड से। आइए दोस्तों अब इसका बूट स्पेस चेक करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से इसका बूट खुल जाएगा, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस आता है कि बहुत ही बड़ी इसकी पार्सल ट्रे है मेरी। और ये आप देख लीजिए हमारे बूट, काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है। हमने देखा यहाँ कुछ सामान रख के भी दिखाना चाहा आपको कि कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे सामान रख सकते हैं। और ये यहाँ पे हमारी टूल किट, और इसमें नीचे हमारा टायर है,
और बात करें इसको बंद करने की, तो ये हमारा यहाँ पे ग्रैब हैंडल आ रहा है कुछ इस तरीके से। हम ऐसे करके और आराम से इसे बंद कर दीजिए अपने बूट को। और दोस्तों हम आइए इसका डोर दिखाते हैं आपको खोल के। ये गाड़ी का डोर देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा सामान रखने की स्पेस है। और ये हमारे विंडो के अप एंड डाउन करने के कंट्रोल्स हैं। और यहाँ पे ही डोर पे मैनुअली हम ये मिरर्स को एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ आप देख रहे हैं हमारी डैशबोर्ड के लुक, काफ़ी अच्छा न्यू स्टाइल डैशबोर्ड आता है हैरियर में। और ये हमारे फैब्रिक सीट्स देख रहे हैं, काफ़ी वाइड चौड़ी सीट्स हैं, काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है हैरियर, ये देख लीजिए। आइए दोस्तों हम गाड़ी के अंदर चलते हैं और वहीं पे आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, ये देखिए हमारा साइड डोर की लुक, ये हमारा डैशबोर्ड देखिए, इस पे वुडन फिनिश, यहाँ पे सिल्वर फिनिश देखिए। गाड़ी का काफ़ी अच्छा स्पेशल ग्लो बॉक्स दे रखा है गाड़ी के अंदर। और ये हमारा नॉर्मल सनशेड, वैनिटी मिरर नहीं आता। यहाँ पे ग्रैब हैंडल और ये हमारे लाइट के कंट्रोल्स हैं, वाइट लाइट आती हैं, ये कुछ इस तरीके से जल जाएगी। और ऐसे इधर भी नॉर्मल सनशेड है। और ये आप देख रहे हैं हमारा ये म्यूज़िक सिस्टम, इसमें एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो दोनों आता है। और ये हमारा एसी वेंट, यहाँ पे कुछ मोड्स दे रखे हैं गाड़ी के अंदर, जैसे हमारा ये हो गया इको मोड, देखिए कुछ इस तरीके से बोलेगा। फिर देखिए स्पोर्ट्स मोड, ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, देखिए कुछ इस तरीके से बोलेगा। और इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, ये इकोनॉमी के लिए। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, ये नॉर्मल हमारा सिटी मोड आ जाता है। और ये यहाँ भी आते रहते हैं, इसमें जब सिटी लिखा हो देख रहे हो गए आप टैगोमीटर पे, ये हमारा नॉर्मल टैगोमीटर से कंट्रोल्स यहाँ पे दे रखे हैं, ये रे। और ऐसे इसके उसके हैं नॉर्मल मोड के हैं ये हमारे स्टीयरिंग व्हील, राउंड शेप हमारा पूरा स्टीयरिंग व्हील है। गाड़ी के अंदर दो एयरबैग्स आते हैं। और बात करें स्टीयरिंग व्हील पे, ये हमारे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स हैं सारे, कॉल उठाना वगैरह कट करने के, गाने को आगे पीछे आवाज़ ज़्यादा कम करने के। ये हमारे वाइपर के कंट्रोल्स और ये हमारे लाइट के कंट्रोल्स, हमारे इसमें क्रूज कंट्रोल जो यहाँ पे आता है, और टिल्ट स्टीयरिंग आता है, टेलीस्कोपिक नहीं आता। और दोस्तों यहाँ नीचे देखेंगे आप हमारा क्लाइमेट कंट्रोल एसी, और उससे नीचे देखिए तो हमारा ये यूएसबी पोर्ट है एक, और ये दूसरा ऑक्स के लिए। और ये हमारे कुछ ऐसे फ़ोन रखने की जगह, ये देखिए गाड़ी का ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कुछ इस तरीके से लग जाएगी गाड़ी। और ये हमारे हैंड ब्रेक हैं, कुछ न्यू स्टाइल में हैंड ब्रेक दिया है कंपनी ने। ये हमारा कप होल्डर, और ये काफ़ी बड़ा हमारा इसमें एक ग्लो बॉक्स देख रहे हैं आप। तो दोस्तों और इसमें जो सबसे बढ़िया चीज़ आती है वो इसकी पैनोरामिक सनरूफ, ये कुछ इस तरीके से देख रहे हैं इसकी पैनोरामिक सनरूफ। और दोस्तों कंपनी ने इसमें कुछ नए तरीके से कंट्रोल दे रखे हैं, जैसे हमें सिर्फ अपनी उठानी है टिल्ट करनी है, कुछ इस तरीके से टिल्ट हो जाएगी, ये उसके यहाँ पे कंट्रोल्स हैं। और अगर हमें खोलनी है तो वन टच में ऐसे खुल जाएगी, उसका अलग बटन दे रखा है, ये कुछ इस तरीके से पीछे तक जाती है। और ये फिर यहाँ पे देख लीजिए वन टच में ही ये हो गई हमारी सनरूफ बंद। और ये हमारे जो ये पीछे से आ रहा है हमारा ऊपर शेड, ये पूरा अपने आप वन टच में बंद हो जाएगा, देख रहे हैं कुछ इस तरीके से बंद हो गया, ये सब वन टच में ही हो जाएगा, ये वन टच में ही खुल गया, देख लीजिए। आइए दोस्तों अब हम गाड़ी में अंदर चलते हैं।
पीछे की साइड, वहीं आपसे बातें करेंगे। तो दोस्तों ये हम देख रहे हैं हैरियर का गेट, ये कुछ इस तरीके से है। अगर बात करें इसकी सीट की, ये कुछ इस तरीके से है, एडजस्टेबल आते हैं इसके, ये कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, काफ़ी अच्छा स्पेस दे रखा है, और ये गाड़ी में डोर पॉकेट्स, और ये नीचे चार्जिंग का यूएसबी पोर्ट, दो यूएसबी पोर्ट आते हैं, यहाँ पे फ़ोन वगैरह अपना सामान रख सकते हैं। या आप देखें साइड डोर की लुक तरीके से, और ये हमारे दो कप होल्डर के साथ आर्मरेस्ट, कुछ इस तरीके से हाथ वगैरह रख सकते हैं। ये देख लीजिए आप हमारे डैशबोर्ड के पीछे लुक, काफ़ी स्पेशियस है गाड़ी अंदर से भी। ये देख लीजिए कितना अच्छा पीछे से लुक आता है, हम कुछ इस तरीके से दिखाएं तो आपको पैनोरामिक व्यू के साथ। देखिए हमारा डैशबोर्ड का लुक, और ये गाड़ी में साइड में देख लीजिए हमारा ग्रैब हैंडल, कुछ टाई करने के लिए हुक, ये हमारे वाइट रीडिंग लैम्प। और दोस्तों देख लीजिए कुछ इस तरीके से लुक आता है। तो दोस्तों ये था टाटा हैरियर का रिव्यू, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो नए कंटेंट के साथ।